हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस. मैं बिपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ नवज्योति ग्लोबल स्कूल्स मोरा जयंती पहाड़पानी पुटगांव के डिजिटल पोर्टल पर. फ्रेंड्स, कल हमने क्लास सेवेंथ का जो अवर पास्ट की जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर्स हमने अध्ययन किया था कल की हज़ार वर्षों से हुई जाँचों की पड़ताल के बारे में चर्चा की थी. तो हमने उसमें देखा कि विभिन्न प्रकार के चेंजेस किस तरह से आए, जो भी एम्पायर बने जिन्होंने अपना सल्तनत स्थापित किया और किस तरीके से वो आगे बढ़कर उन्होंने अपने पांडुलिपियों पर अपने मैन्युस्क्रिप्ट्स रिटिन के हिसाब से किस तरह से उनमें बदलाव आए. सो गाइस, आज मैं आपको उसी चैप्टर्स का ये चैप्टर आज फिनिश करूँगा. मैं उसी के आगे का भाग आपको पढ़ाऊँगा कि ओल्ड एंड न्यू जो रिलीजियंस हैं उनमें क्या बदलाव हुए, अर्थात पुराने और जो नए धर्म हैं उनमें क्या बदलाव हुए. तो द थाउजेंड ईयर्स ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस्ड मेजर डेवलपमेंट्स इन अ रीजन्स ट्रेडिशंस पीपल बिलीव इन द डिवाइन वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल बट मोर यूजुअली इट वॉज कलेक्टिवली बिलीव इन अ सुप्रीनेचुरल्स एग्रीस रीजन्स वॉज ऑफन क्लोजली कंसर्न्ड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ लोकल कम्युनिटीज एज द सोशल वर्ल्ड्स ऑफ दीज ग्रुप्स अलिटरेट सो टू डिड देयर बिलीव्स. अर्थात इतिहास के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल जब हम कर रहे थे तो इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए. दैनिक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आम तौर पर इस आस्था का स्वरूप जो था वो सामूहिक होता था. किसी दैनिक तत्व में सामाजिक आस्था यानी धर्म, प्राय, स्थानीय समुदाय, सामाजिक आर्थिक संगठन से संबंधित होते थे. जैसे जैसे इन समुदाय का सामाजिक संसार बदलते गया, वैसे वैसे इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता चले गया. तो आज हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म जैसे है तो इसमें भी बड़े युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए. इन परिवर्तनों में से कुछ ऐसे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं, मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों का रूप, ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व आदि ये विभिन्न प्रकार की चीज़ों को भी हम आज देखते हैं. गाइज, मैं बात करूँ तो जो संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण जो समाज में ब्राह्मणों का जो बड़ा आदर होता था वो इनके संरक्षक होते थे. नए नए शासकों ने जो स्वयं प्रतिष्ठा में काम किया था इनके संरक्षण के समर्थन में वो काम करते थे और आगे को अपना दबदबा बनाने के लिए भी रेडी होते थे, जिससे कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स ना हो. गाइस, कहते हैं कि दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड वेन न्यू रिलीजियंस अपीयर्स इन द सब कंटिनेंट मर्चेंट्स एंड द मैग्नेट्स फोर्स्ड अबाउट द टीचिंग ऑफ द होली ग्रेंट ऑफ इंडिया इन द 17th century. अर्थात इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा का रूप भी आया. इसमें ईश्वर की कल्पना, ऐसे प्रमल ईस्ट देवी देवताओं का रूप जिसे एक पुजारियों का विवाद कर्मकांड के रूप में भक्त तक पहुंचा सके. इस विषय में हम लोग साथ ही साथ एक दूसरे की परंपराओं के बारे में जान निकले थे. युग जिसमें महाद्वीप के नए नए धर्मों का आगमन हुआ, कुरान सफ़ीर का संदेश पहले से ही 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों तक जा पहुंचा. मुसलमान का कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे. जो मोमडन लोग थे वो कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे. केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता में स्वीकृति करते थे, जिसका प्रेम, करुणा, उदारता आदि जो था व्यक्ति की सामाजिक प्रति पृष्ठभूमि को जिसमें व्याप्त थी. कई शासक इस्लाम, इसके विद्वान, अर्थशास्त्री, न्यायशास्त्री, बहुत सारे लोग थे. जैसे हिंदू अनुयायी क्या होते हैं, उनके तौर तरीके क्या आते हैं, मतलब नेतृत्व करने की क्षमता क्या होती है, उनको कैसे आगे को बढ़ाया जाता है, इस्लामी न्याय सिद्धांत क्या होता है, उनकी शाखाओं को कैसे और आगे को डेलीगेट किया जा सकता है, इन सब के बारे में भी बहुत सारे परिवर्तन इसमें आए. सो गाइस, नेक्स्ट हमारा आता है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड. अर्थात समय और इतिहास के कालखंडों पर हमने भी विचार किया. समय जैसे जैसे बदलता गया, इतिहास वैसे वैसे आगे को होते चले गया, तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को खगोलना स्टार्ट कर दिया. जैसे हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज अ पासिंग ऑफ आवर्स, डेज और ईयर्स, एज अ क्लॉक और अ कैलेंडर. टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशंस इन द प्रिसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स. तो द स्टडी ऑफ टाइम ऑफ मेड सम वॉट
अर्लियर बाई डिवाइडेड बाई पास्ट इंटू लार्ज सेगमेंट्स। अर्थात इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते थे, जैसे हम लोग देखते हैं ना गाइस आज के समय में, वो ऐसे नहीं देखते थे। केवल घंटे, दिन और वर्षों के बीतने के स्वरूप में नहीं वो चलते थे, उनका नज़रिया अलग था। समय सामाजिक आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को झलकाता था, दिखलाता था कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है, कितना परिवर्तन आया है। अतीत का सामना विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों के कालों में बांट दिए गए थे, उनका अध्ययन आसान नहीं होता था। सो 19वीं सदी के मध्य जो अंग्रेजी इतिहासकार थे, भारत के इतिहास को तीन युग में बांटा उन्होंने, उन्होंने इसको तीन युग में बांटा, और वो युग थे हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। यह विभाजन गाइज इतना आसान नहीं था, इसको करना, इसको चलाना या इसके पक्ष में आगे करना, ये इतना आसान नहीं था। यहाँ पर भी जो फ्यू हिस्टोरियंस थे फॉलो दिस पीरियडिशेशंस टुडे, द मोस्ट लॉक ऑफ इकोनॉमिकल एंड सोशल फैक्टर टू करेक्टरिक्स दिस मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट। द हिस्टोरियंस यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूडिंग अ वाइड रेंज ऑफ हिस्टोरिकल यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूडिंग अ वाइड रेंज ऑफ अर्लियर सोसाइटीज हंटर गैदरिंग अर्ली ऑफ फॉर्मेसिंग पीपुल लिविंग इन towns and villagers and early empires and kingdoms. The historians you will be studying in this year. अर्थात मैं बात कर रहा था विचारों पर आधारित नहीं थे वो लेख इस काल में विभाजन को। आज हम बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं गाइज, काफ़ी कम लोग होते हैं जो इसको आज हम मानते हैं। इतिहासकार जो होता है वो आर्थिक सामाजिक के आधार पर ही होते हैं, अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएँ तय करते हैं। पिछले साल आपने इतिहास को कैसे पढ़ा, प्राचीन समाज में कई प्रकार का समावेश था, शिकारी संग्राहक प्रारंभिक दौर क्या था, कृषि कर्मी शहरी गांवों के निवासी प्रारंभिक दौर राज्य या साम्राज्य में कैसे थे। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर भी प्रधान के स्वरूप में हम इनको देखते हैं। गाइस भारत के इतिहास में हजार साल अनेक बदलाव के साक्षी रहे। 16वीं 18वीं शताब्दी, 8वीं या 11वीं शताब्दी में काफ़ी भिन्न थे, इसलिए हम सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं में हमारे लिए महत्वपूर्ण था। फिर भी मध्यकाल की तुलना में प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा रहा। इन हजार वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की जो व्यापारी कंपनियां थीं को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले, और अब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं या जो बातें चल रही हैं उस पर नज़र डाल के ही हम कुछ ऐसे बदलाव भी और आगे इसको कर सकते हैं। सो गाइज ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है, जो फर्स्ट चैप्टर है वन ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउजेंड ईयर्स, जो है क्लास सेवन्थ का ये चैप्टर फिनिश हो गया है। और हम जैसे कि आपको यूट्यूब पर हम ये वीडियोस डेली अपलोड करते जा रहे हैं और आपको मैं ग्रुप में भी इसके असाइनमेंट देते चले जा रहा हूँ, तो आपको उनके आंसर इसी वीडियोस से खोजने हैं। जहाँ आपको दिक्कत हो, जहाँ आपको प्रॉब्लम हो, आप मुझे बता सकते हैं बाय कमेंट्स, बाय फ़ोन, कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रही है। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट का जो नेक्स्ट आपको जो प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन हम आपको देंगे। सो गाइज कल फिर पुनः हम मिलेंगे इसी आवर पास्ट का चैप्टर नंबर सेकेंड को लेकर। तब तक के लिए आप इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, घर पर ही रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई में तन मन से अपना ध्यान लगाइए और इस ऑनलाइन एजुकेशन का भरपूर आनंद, लाभ और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपना पार्टिसिपेट करके इसको ग्रहण करने की कृपा करें या इसको ग्रहण करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।